हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं RTMNU BCOM 6 सेमेस्टर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूनिट 3, जो कि है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो तीन टाइप के रेशियोज आएंगे। एक है बैलेंस शीट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि हम बिजनेस का फाइनेंशियल पोजिशन पता कर सकें एक पर्टिकुलर डेट के लिए। सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इसीलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि हम उस बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकें। फिर है कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो ऐसे रेशियो होते हैं जो जिसमें आपका एक आइटम बैलेंस शीट का होता है और एक आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। काफ़ी सारे टाइप्स के रेशियोज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट असेट में इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, कैश एंड बैंक बैलेंस, रिसीवेबल्स, एक्रूअल्स, लोन्स एंड एडवांस डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट, इतने सारी चीज़ें करंट असेट में आती हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ में आता है क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड। फिर आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को ही एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का तो हमने देख लिया करंट लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। क्विक असेट क्या होता है? क्विक असेट यानी जितने भी हमने करंट असेट में चीज़ें इंक्लूड की थी उसमें से बस इन्वेंट्री माइनस कर देना है तो हमारा क्विक असेट आ जाता है। फिर है कैश रेशियो या फिर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। कैश रेशियो को ही एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। फिर है बेसिक डिफेंस इंटरवल। इसका फॉर्मूला होता है कैश प्लस रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट प्लस इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय 365। फिर है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये हमने देख चुके थे अभी इन दोनों के बारे में कि करंट असेट क्या होता है, करंट लाइबिलिटी क्या होता है। बस इसमें करंट लाइबिलिटी इंक्लूड करते वक्त आपको शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग उसमें इंक्लूड नहीं करना है। फिर इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर है डेप्थ रेशियो। डेप्थ रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर है डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला है टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। फिर है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल असेट्स। फिर है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। इसका फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। फिर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये करने से आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। फिर है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। इसमें आपको कौन से सेल्स लेने हैं? सिर्फ क्रेडिट सेल्स लेने हैं। फिर है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है एनुअल नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेएबल। फिर है अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। फिर है डिविडेंड पर शेयर। इसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। फिर है प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। फिर है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि GP रेशियो। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मेट दिए हैं, जैसे कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ये आपको लर्न कर लेना है। इतने जो फॉर्मूले हमने देखे वो भी आपको सारे लर्न कर लेने हैं। बिना फॉर्मूले लर्न किए आपका ये चैप्टर होने वाला नहीं है। अगर हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? टोटल सेल्स दिया है, मतलब सेल्स कितना हुआ है हमारा, उसमें से हमने सेल्स रिटर्न माइनस किया है तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाता है। नेट सेल्स में से हमें COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है, जो कैसे निकालते हैं हम वो बाद में देखेंगे। तो वो अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें माइनस करने हैं और ऑपरेटिंग इनकम हमें प्लस करनी है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। और उसमें से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करने हैं,
तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद उसमें से हम अगर टैक्सेशन का जो जितना भी प्रोविजन है और डिविडेंड का जितना प्रोविजन है वो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। तो ये है हमारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट। यहाँ पे आपको दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स कैसे निकालते हैं, तो वो इसमें दिया है आपको कि ओपनिंग स्टॉक जितना रहता है रॉ मटेरियल का उसमें आपको परचेस जितना है वो प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करना है और उसमें जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ऐड कर देने हैं, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आ जाती है। और नहीं तो इसका अल्टरनेटिव वे है कि आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो भी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। इसी पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये आपके पास प्रॉब्लम दिया है जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हैं सोलार लिमिटेड के, उसका आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंस रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो इतना आपको कैलकुलेट करना है। आपको वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, उसमें से हम अभी पहले रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाएंगे ताकि हमारे पास जो हमें रेशियो निकालने के लिए ज़रूरी वैल्यूज़ हैं वो पता चल सके। हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसका हमें फॉर्मेट पता है, उस हिसाब से हम लेंगे। जैसे कि हमको बताया है कि सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं। सेल्स हमको दिया है हुआ है क्वेश्चन में कि हमारे पास सेल्स है 3 लाख रुपीज़, उसमें से हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करना पड़ता है, यानी कि COGS हम माइनस करते हैं। COGS हम या तो अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या तो हम इसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी रेवेन्यू स्टेटमेंट में ही। कैसे करेंगे उसको, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक में परचेस और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से दिए आपके पास, वेजेस दिया है और फैक्ट्री ओवरहेड दिया है और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। इन सारे चीज़ों की वैल्यू लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है 75,000, परचेस वैल्यू दी है 1,65,000, वेजेस दिया है आपको 30,000 और फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 45,000 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 90,000 दी है। तो इसकी टोटल कर लेते हैं पहले, तो आता है हमारे पास 3,15,000। 3,15,000 में से 90,000 क्लोजिंग स्टॉक का हम माइनस कर देंगे, 2,25,000। तो अगर हम सेल्स में से नेट सेल्स माइनस करें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 75,000। अब ये 75,000 हमारा जीपी आ गया है। अब उसमें से हमको क्या करना पड़ता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं और ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी पड़ती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस के ऑपरेशन में डेली आपको एक्सपेंसेस आते हैं, वैसे एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है। और वही ऑपरेटिंग इनकम यानी जो डेली इनकम हमारी डेली बिजनेस ऑपरेशन में होती है उसे ऑपरेटिंग इनकम बोला जाएगा। और उसी के उल्टा नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो होंगे जो हम डेली नहीं कमाते हैं, एक आध बार हमें इनकम होती है, वैसे इनकम को नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी जो डेली एक्सपेंसेस नहीं होते हैं बिजनेस में, एक आध बार जो एक्सपेंस होते हैं उन्हें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलेंगे। तो हमको पहले यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिबेंचर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इन सारों की वैल्यू दी है 11,250, 7,500, डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है 3,000 और डेप्रिसिएशन दिया है 9,000। इसका टोटल होता है 30,750 रुपया। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में से जब इसमें से ये माइनस कर देंगे डायरेक्टली तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा जो कि है 44,250। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है डिविडेंड
और हमें दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आप फर्नीचर रोज रोज सेल नहीं करेगा ना बिजनेस, इसीलिए ये हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1500 डिविडेंड की वैल्यू दी है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दिया है आपको 3000 रुपये। तो ये होता है 4500 रुपये। तो ये ऐड होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 48,750। अब इसमें से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिया है लॉस ऑन सेल ऑफ कार। लॉस ऑन सेल ऑफ कार, क्योंकि आप कार रोज सेल नहीं करते हो इसीलिए ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 750 रुपये। ये डायरेक्ट आप बाहर भी लिख सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा 48,000 रुपीज। तो ये 48,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। अब आपको क्या बोले थे वहां पे कि आपको जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंस रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये सारे कैलकुलेट करने के लिए बोले हैं। तो हम यहाँ पे एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि जीपी रेशियो बोला है, तो जीपी रेशियो के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो जीपी हमारा कितना आया है, जीपी 75,000 आया है। तो जीपी हमारा 75,000 आया था, टोटल सेल्स हमने किया था 3,00,000 रुपए का, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%। फिर आपको ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। COGS हमारा आया था 2,25,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे थे 30,750 के, डिवाइडेड बाय सेल हमने किया था 3,00,000 रुपए का इंटू 100। तो इसका परसेंट आता है हमारे पास 85.25%। इसके बाद आपको एक्सपेंस रेशियो निकालने के लिए बोला है। एक्सपेंस रेशियो के लिए आप क्या करोगे, जितने एक्सपेंसेस थे हमारे उसको सेल्स से डिवाइड इनटू 100 करना है। जैसे कि आपके पास था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा 1:1 हमारा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपको दिया था 11,250 का, डिवाइडेड बाय सेल्स हमने किया था 3,00,000 रुपए का इनटू 100। यानी कि हमारे पास इसका आंसर आता है 3.75। फिर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया था, उसको हम सेल्स से डिवाइड करेंगे इनटू 100 करेंगे तो इसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दी थी आपको 7,500, सेल्स दिया था 3,00,000 इनटू 100 तो ये आता है हमारे पास 2.5%। फिर नेक्स्ट एक्सपेंस आपको दिया था डिबेंचर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 तो ये आ जाएगा 3,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 इनटू 100 तो इसका परसेंट आएगा 1%। और वैसे ही हम कर लेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे 750 रुपये थे, सेल्स हमारा 3,00,000 था इनटू 100 तो इसका टोटल आता है हमारे पास 0.25%। फिर आपको एनपी रेशियो यानी कि नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए बोला है। उसके लिए हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करते हैं। तो नेट प्रॉफिट अपना आया था 48,000, सेल्स आया था 3,00,000 इनटू 100 तो ये आता है 16%।
स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू तो हमने निकाले हैं 2,25,000। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दिया था 75,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमको 90,000 दिया था, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 82,500 रुपीज। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 82,500 रुपीज, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा 2.73। तो इस तरीके से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ आपको PNL अकाउंट और बैलेंस शीट दिया हुआ है विजय प्रोडक्ट लिमिटेड का। आपको करंट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर और GP रेशियो निकालना है। चार चीजें निकालनी है आपको, एक एक करके हम निकालते हैं। पहले करंट रेशियो निकाल लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट असेट में हमने देखा था क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें बैलेंस शीट में जितने भी असेट्स दिए हैं उसमें से करंट असेट में क्या क्या आता है, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर और कैश एंड बैंक बैलेंस। तो इन सबको प्लस करने पे हमारे पास आता है 2,50,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी आपको अलग से दी हुई है 1,30,000। तो इसका आंसर आता है 1.93। इसके बाद आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमको दिया है 99,500। यहाँ पे बाजू में निकाल के दिखाती हूँ मैं, 99,500। उसमें परचेज जितना है वो ऐड करते हैं जो कि दिया है 5,45,250। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं 14,250 और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं जो कि है 1,49,000। तो ये सब करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो कि है 5,10,000। तो 5,10,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको PNL अकाउंट में अलग से दिए हुए हैं जो कि है 1,95,000 डिवाइडेड बाय सेल्स आपको दिया हुआ है 8,50,000 का। तो इसे सॉल्व करने पे आपके पास आता है 83.1%, जिसको हम 83% मान लेंगे। फिर आपको निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसके लिए आपको क्या करना है, COGS जो हमने यहाँ पे निकाला था 5,10,000 का, वो लिख लेंगे 5,10,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, हम ओपनिंग स्टॉक यानी कि 99,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 1,49,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाता है हमारे पास 1,24,250। तो हम लिख लेते हैं 1,24,250, इसका आंसर आता है 4.1। अब हमको और क्या निकालना है, जीपी रेशियो निकालना है। जीपी रेशियो के लिए हमें जीपी लगेगा। जीपी हमको PNL अकाउंट में दिया हुआ है 3,40,000 और सेल्स हमको दिया है 8,50,000। इसका आंसर आता है 40%। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इससे पहले के फर्स्ट और सेकंड यूनिट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके आगे का यूनिट जो कि है यूनिट 4, वो भी जल्दी ही अपलोड होने वाला है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you so much.